हेलो दोस्तों, इस एपिसोड में हम स्लग्स और स्नेल्स को भगाने के लिए 100% काम करने वाला DIY फेंस यानी सीमा रेखा को बनाएंगे। और जब ये कीड़े उस सीमा रेखा को पार करना चाहे तो क्या होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्लग्स और स्नेल्स, ये जीव दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे पौधों के पत्तियों को रात में आकर खा जाते हैं। ये जीव रात में आने के कारण हम इनको भगा ही नहीं सकते, इसलिए हम इस एपिसोड में बिजली यानी कम वोल्टेज करंट को यूज करके एक बैरियर या फेंस को बनाएंगे, जिसमें हम कॉपर वायर या कॉपर टेप को इस्तेमाल करेंगे। आप डरिए मत, हम सिर्फ 9 वोल्ट्स डीसी बैटरी लेंगे, जिससे आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। ये मेथड 100% काम करेगा स्लग्स और स्नेल्स को भगाने के लिए, और ये सस्ता भी है। चलिए दोस्तों, हम DIY इलेक्ट्रिक फेंस बनाने के लिए कुछ चीजों को जमा करेंगे, जैसे कि 9 वोल्ट बैटरी और वायर्स। आप छोटे पॉट के लिए 3 वोल्ट बैटरी भी ले सकते हैं। दूसरा, कॉपर वायर जो इंसुलेट ना किया हो, या गैल्वनाइज्ड वायर को ले। और एक प्लास्टिक कंटेनर को लें जिसमें हम बैटरी को रखेंगे। अगर आपको चाहे तो आप सोल्डरिंग गन, ग्लू गन, वायर कटर्स और इंसुलेशन टेप को ले सकते हैं। स्टेप 1 में बैटरी को पानी से बचाने के लिए और ज्यादा दिन चलने के लिए इसको प्लास्टिक के डिब्बे में रखिए। वायर के लिए नीचे से लूप बनाएं, इससे पानी अंदर नहीं जाएगा। स्टेप 2 में कॉपर वायर को गमले के चारों ओर 2 पैरेलल लाइंस से बांध ले। इन दोनों लाइंस एक दूसरे को लगनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर का अंतर रखिए। अगर आप प्लास्टिक कंटेनर्स यूज कर रहे हैं तो कॉपर टेप्स को यूज कर सकते हैं। ये टेप्स एक साइड से स्टिकी होता है जो आसानी से चिपक सकता है। बैटरी के लिए वायर्स को दोनों ट्रैक पे सोल्डर कर दें और बैटरी को फिक्स कर दें। स्टेप नंबर 3 में हम कनेक्शंस देंगे। ऊपर वाले वायर के दोनों एंड्स को मोड़ लें, इस तरह नीचे वाले वायर को भी कर लें। तो अब एक लाइन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा लें और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल पे। बस हो गया। अब देखेंगे कि कैसे ये स्लग्स और स्नेल्स इस फेंस को क्रॉस करेंगे। आपको पता है, जब भी ये भीगे चिपचिपे जीव इस फेंस को क्रॉस करना चाहे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इनको शॉक लगेगा और ये भाग जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों एक छोटा सा एपिसोड स्लग्स और स्नेल्स को भगाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।